हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फ्री ड्राइंग क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त तन्मय दंड पाठक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तन्मय ड्राइंग कैंपस। तो दोस्तों, आज हम क्लास फाइव के लिए एक लोटस ड्रॉ करेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम एक प्लस साइन ड्रॉ करेंगे। ध्यान रहे, प्लस जो साइन ड्रॉ करेंगे इसका ऊपर का जो हिस्सा है वो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, इस हाँ ए पोर्शन। अब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कर्व लाइन और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कर्व लाइन करेंगे। अब बीच में एक छोटा सा लाइन ड्रॉ करके यहाँ से और यहाँ से एक कर्व लाइन ड्रॉ करके नीचे की ओर यहाँ और यहाँ ऐसे ड्रॉ कर देंगे। फिर एक स्ट्रेट लाइन और यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ हो गया। अब बीच में एक कर्व लाइन ऐसा ड्रॉ करेंगे, फिर नीचे से इसको जोड़ देंगे ऐसे। अब यहाँ से और यहाँ से और एक लाइन और इसे ऐसे जोड़ देंगे, फिर यहाँ और एक और यहाँ और यहाँ इसे ऐसे जोड़ देंगे नीचे की तरफ से, ये हो गया। अब यहाँ दो लाइन ड्रॉ करके ऊपर की ओर और एक हिस्सा हमारा रह गया, यहाँ छोटे छोटे पार्ट्स करके से जोड़ देंगे, ये हो गया। देखो सिंपल से, और एलिप्स दो हो गया। एक स्ट्रेट लाइन पानी की तरफ से हम ड्रा कर देंगे, थोड़ा इधर मिस्टेक हो गया अभी यहाँ। हाँ, अब हम इस लोटस के बीच से जो लाइन मैंने पहले ड्रॉ किया था उसे हम डिलीट कर देंगे। देखो तो माइनस रह गया और प्लस का ऊपर और नीच का जो लाइन था उसे हम डिलीट कर दिया, और बीचों बीच जो लाइन था उसे उसको भी हम डिलीट कर दिया। अब हम पिंक कलर से इस लोटस को भर देंगे। ध्यान रहे, जैसा मैंने ड्रॉ किया है वैसे ही मैंने इस कलर से भर रहा हूँ इस लोटस को। देखो ऐसे ही हर पत्ते को हमने भर दिया। देखो अब हम व्हाइट कलर लेकर इस पिंक कलर के ऊपर से भर देंगे ताकि पिंक कलर ज्यादा मिक्स हो जाए और ज्यादा ब्राइट दिखे हमें। देखो हो गया। अब हम डीप रेड कलर लेंगे, इस डीप रेड से हम नीचे की ओर से ऊपर की ओर शेड देंगे। देखो ऐसे, चारों ओर ऐसे, आप अपनी उंगलियों से इसे ऐसे मिक्स कर दो, ज़्यादा मिक्स हो गई। ऐसे करके पूरे पत्ते जो है हमारे इस लोटस के, हर पत्ते को ऐसे ही हम कलर कर देंगे और उंगलियों से मिक्स कर देंगे। देखो यहाँ से भी, एक बात हमेशा ध्यान रखना, पहले ड्रॉ पहले हम जैसा किया है वैसे ही हमें कलर करना है, चाहे वो शेड हो, हार्ड स्टोन हो, जैसा भी हो। देखो हम इस पोर्शन को भी हमने ड्रॉ कर दिया, हो गया। अब जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा शेड बाहर निकल गया था उसे हम पूरा कर देंगे। देखो ऐसे, यहाँ पर लाइन था, यहाँ पर भी, और थोड़ा थोड़ा लाइन हम ऊपर की ओर दे देंगे।
ताकि ज्यादा अच्छी दिखे। देखो ये हो गया, देखो अब हम पेंसिल से जो लाइन हमें दिखाई नहीं दे रहा था उसे हम दोबारा पेंसिल से सेट दे देंगे। अब एक्चुअली हम यहाँ पे डार्क सेट दिखा रहे हैं पेंसिल से, देखो। तो अब हम डीप येलो का इस्तेमाल करेंगे, ऊपर का जो हिस्सा है वो येलो से भर देंगे, फिर पिंक कलर लेकर इस पत्ते को भी भर देंगे। ये हो गया, अब हम डीप रेड कलर लेके इस छोटे छोटे पत्ते को भी सेट दे देंगे। देखो ऐसे, अब फिर से पेंसिल से आउटलाइन और जो डार्क शेड है उसे दिखा देंगे। ये देखो यहाँ पर छोटे छोटे ये हो गया। हाँ, जहाँ आपको लगता है कि लाइन ज़्यादा बाहर चला गया, कलर बाहर चला गया है, वहाँ पे आप पेंसिल से उसको भर दे तो ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। देखो अब यहाँ पर हम लाइट ग्रीन का इस्तेमाल करेंगे। ये देखो यहाँ पर नीचे का जो पोर्शन था उसको हम लाइट ग्रीन देकर, देखो फिर साइड से हम डीप ग्रीन से शेड दे रहे हैं यहाँ से और यहाँ से, फिर बाद में पेंसिल से जो बाहर चला गया था कलर उसे हम फाइनल शेड दे देंगे। ये हो गया, अब हम ये जो पत्ते है इसे हम लाइट ग्रीन से भर देंगे यहाँ पर भी, फिर पहले भर दिया, अब इसमें हम येलो से इसे भर देंगे ताकि जो लाइट ग्रीन है वो ज़्यादा लाइट दिखे हमें। आप पहले येलो का भी इस्तेमाल कर सकते हो, देखो इस जगह को भी हम येलो से भर देंगे थोड़ा करके ताकि लाइट का जो शेड है वो हमें दिखाई दे। अब हम लाइट ब्लू से इस वाटर को फिलअप कर देंगे। ध्यान रहे स्ट्रेट ही आपको कलर करना है, देखो हम अभी वाटर को ऊपर नीचे नहीं कलर कर सकते, स्ट्रेट ही करना होगा हमें। देखो हो गया, अब हम व्हाइट लेकर इस लाइट ब्लू को भर देंगे ताकि इस ब्लू ज़्यादा लाइट दिखे हमें। देखो आप उंगली से इस कलर को दोबारा मिक्स कर सकते हो ताकि ज़्यादा हमें इस कलर को मिक्स कर सके। अब हम इस पोर्शन को पिंक से भर देंगे और इसके ऊपर भी हम व्हाइट से भर देंगे जैसे हमने इस फ्लावर को कलर किया था, और नीचे से डीप रेड से सेट दे देंगे ऐसे। अब दोबारा इसके ऊपर पिंक से भर दिया ताकि ये मिक्स हो जाए डीप रेड से, और फिर बाद में उंगलियों से सेट दे दिया, और फिर पेंसिल से आउटलाइन को
भर दिया। नीचे का जो पोर्शन है इसे हम ग्रीन और येलो से कवर कर देंगे और एक डार्क सेट, इस पत्ते को भी एक डीप ग्रीन से डार्क सेट दे देंगे। देखो ऐसे ये हो गया। अब फिर से पेंसिल से आउटलाइन को दे देंगे, ये हो गया आउटलाइन इसका भी, और ये हो गया। हाँ अब पानी को सेट देना है, इसके लिए हमें मीडियम ब्लू का इस्तेमाल करेंगे। मीडियम ब्लू से हम देखो इस पत्ते यहाँ पर और यहाँ पर भी हम सेट दे रहे, थोड़ा थोड़ा करके आप लाइट से आप इसको यूज़ करें, ज़्यादा डीप ना करें। चाहे तो उंगली से भी फिर से मिक्स कर सकते हो। अब हम डीप ब्लू से जो शैडो है फ्लावर का, पत्ते का, सभी का, इसको शैडो दे देंगे, प्योर शैडो। तो ये हमारा लोटस बनकर तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगले रविवार नई एक वीडियो के साथ। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।